हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यू एम टी का जो है वो नया बिग अपडेट आ चुका है, जो कि एम टेक सेटअप का है। और इसमें क्या क्या नया है वो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। और जो कि यू एम टी का वर्जन 1.5 अपडेट अभी आया है, और पहले जो है 1.4 चल रहा था, ठीक है। तो इसमें क्या नया है चलिए आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे व्हाट्स न्यू पे जाते हैं हम। यहाँ पे नीचे देखेंगे कि एडेड इन्फिनिक्स आईटेल टेक्नो वर्जन 4, ये जो कि एक ऐड किया गया एक ऑप्शन, और यहाँ पे इन्होंने जो है वो ऐड कर दिया गया है, जो कि पहले वर्जन 3 था ओनली, अब वर्जन 4, और यहाँ पे इन्होंने जो है वो ऐड कर दिया गया है, जो कि जो न्यू लेटेस्ट सीपीयू वाले फ़ोन थे जो कि अनलॉक वगैरह नहीं हो पा रहे थे, वो अब इजी तरीके से आप वर्जन 4 सेलेक्ट करके आप लोग जो है अनलॉक कर पाएंगे, FRP वगैरह सब कुछ कर पाएंगे, ठीक है, टेक्नो इन्फिनिक्स और आईटेल में, ठीक है। और आगे देख लेते हैं यहाँ पे, जो कि काफ़ी सारे मॉडल वगैरह यहाँ पे इन्होंने जो है वो ऐड किए गए हैं, इन्फिनिक्स, टेक्नो, आईटेल वगैरह काफ़ी सारे मॉडल इन्होंने जो है यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है। और नीचे देख लेते हैं, नीचे एडिट सेट एक्टिव स्लॉट ऑप्शन, एक और इन्होंने जो है वो यहाँ पे ऑप्शन ऐड किया गया है, सेट एक्टिव स्लॉट, ठीक है। ये इसका क्या मतलब है, इसको मैं आप लोगों को जो है वो टूल पे ही दिखाऊंगा इससे क्या होगा, ठीक है। स्टक ऑन जो फर्स्ट बूट मोड में जो फ़ोन चले जाते थे फ्लैश करने के बाद, तो उसको ठीक करने के काम आएगा ये। तो यहाँ से हम सेटअप को डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो आप लोगों को मैं शुरू स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ कि सेटअप डाउनलोड कैसे करना है, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, गूगल क्रोम पर जाना है, सॉरी, गूगल क्रोम पर जाने के बाद GSM फॉरम सर्च करना है, यहाँ पे अल्टीमेट मल्टी टूल्स को क्लिक करना है, और जो फर्स्ट वाली पोस्ट है आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे एड आएगा तो एड को क्लोज कर देना, तो इसको थोड़ा नीचे लेके जाएंगे, और नीचे लेके जाने के बाद आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा कि डाउनलोड यूजिंग, तो आप लोगों को क्या करना है, मिरर पर क्लिक करना है, मीडिया फायर पर क्लिक करना, और यहाँ पे आप लोगों को जो है सारे सेटअप जो है लेटेस्ट सेटअप यहाँ पे मिल जाएंगे आप लोगों को। तो हमें जो चाहिए वो कौन सा है, ये है, ठीक है, MTK 1.5, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड आप लोग कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको ऑलरेडी जो है वो डाउनलोड करके रखा हुआ, तो फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, उसके बाद टूल को हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको इंस्टॉल कर लेते हैं डबल क्लिक करके। आई एक्स पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट करेंगे, फिनिश कर लेंगे, इसको क्लोज करेंगे हम, क्योंकि हम पहले से ऑलरेडी टूल को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए टूल इंस्टॉल हो चुका है, टूल को डबल क्लिक करके हम रन करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो सेटअप ओपन हो चुका है, आई एग्री पे क्लिक करेंगे। तो चलिए आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो प्रीलोडर पे यहाँ पे वर्जन हमें 3 पहले देखने को मिलता था, अब भी जो है वर्जन 4 भी यहाँ पे जो है इन्होंने जो ऐड कर दिया गया है, जो कि टेक्नो इन्फिनिक्स आईटेल के जो लेटेस्ट फ़ोन थे, लेटेस्ट CPU वाले, जो अनलॉक हो नहीं रहे थे। तो आप लोग जो है वर्जन 4 सिलेक्ट करके आप फॉर्मेट वगैरह FRP वगैरह इसी तरीके से कर सकते हो वन क्लिक में, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है, इन्होंने जो है वो नीचे यहाँ पे ऐड किया गया है, सेट एक्टिव ए, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर मान लो अगर UMT से आप किसी भी फ़ोन को जो है फ्लैश करते हो, और फ्लैश करने के बाद फ़ोन को जब ऑन करते हो, तो ऑन करने पे जो फ़ोन जो है वो फास्ट बूट पे जो है रुक जाता है, तो उस कंडीशन में आप लोग जो है परेशान हो जाते हो, या तो फिर से फ़ोन को फ्लैश करते हो, तो आप लोगों को वहाँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन को आप इस ऑप्शन के ज़रिए जो है वो ठीक कर सकते हो, इसीलिए इस ऑप्शन को यहाँ पे ऐड किया गया है। तो काफ़ी बढ़िया अपडेट था UMT का, मुझे तो अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही बेल आइकन को दबाना, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।